खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गुना की, जहां के धरनावादा में पुलिस ने जमीन में दबा कर रखे गए 50 किलो चांदी के जेवर बरामद किए हैं। दरअसल राजस्थान के मनोहर थाना में पारदी गिरोह ने एक सराफा कारोबारी को निशाना बनाया था। कारोबारी के ठिकाने से चोर गिरोह 50 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया था। बदमाशों ने चोरी के बाद जेवरात को गुना जिले के बीलाखेड़ी गांव में लाकर गाड़ दिया था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मेटल डिटेक्टर की सहायता से खेत में दबाकर रखे गए जेवरात बरामद कर लिए। जेवरों की पोटली के साथ एक आधार कार्ड भी मिला, जिस पर कपिल अग्रवाल का नाम दर्ज था, जिसके आधार पर पता चला कि लूट का सामान राजस्थान के कारोबारी का है। चोरी में जो संदेही थे उस समय शुरू के विवेचना में जो पाया गया था वो धरनावना थाना क्षेत्र के लोग थे। उसकी सूचना राजस्थान पुलिस से हमें मिली थी और एक संयुक्त टीम भी बनाई गई थी जो राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के धरनावदा क्षेत्र के लोग, उसमें हमारे एसडीओपी के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। दो तीन दबिशें दी गई थी, बाद में फाइनली 11 तारीख को हमको इसकी सफलता मिली। आज पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें धरनावदा पुलिस ने एक कार्रवाई करी, जिसमें बीलाखेड़ी गाँव में एक खेत में से करीबन 54 किलो 300 ग्राम चांदी के जेवर खेत में से खोदकर निकाले, जिनकी कीमत 53 लाख रुपए है। वह चांदी राजस्थान के मनोहर थाना कस्बे के एक निचला बाजार में एक दुकान है, वहां से चोरी हुई थी। आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वहां पर टीम ने दबिश दी, धरनावदा टीम ने वहां से खेत में खोदकर उसमें से 54 किलो 300 ग्राम चांदी निकाली है। हम आपको बताते हैं, हम इस बीलाखेड़ी पर ही हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे गड्ढे खोदे गए थे, जगह जगह से खेत में से गड्ढे खोदे गए हैं। एक ये गड्ढा है, एक वो गड्ढा है, और भी सारे कई जगह गड्ढे हैं। तो पुलिस की एक सबसे बड़ी कार्रवाई है अभी तक में कि 54 किलो 300 ग्राम चांदी के जेवर खेत में से खोदे हैं। विनोद कुशवाहा, INH News चैनल, गुना।